Now we will discuss transcription in prokaryotes. Prokaryotes means like bacteria. So in prokaryotes, transcription occurs in cytoplasm because prokaryotes they do not have a nucleus. उनके पास nucleus नहीं होता है. उनका जो genetic material होता है, it is in the cytoplasm, in the nucleoid. So जो transcription होगा, ये किसमें होगा? Cytoplasm. तो transcription means DNA टू RNA, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो तीन तरह के RNA होते हैं, लाइक मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA, इन तीनों को बनाने के लिए एक ही एंजाइम होता है, एंड दैट इज़ RNA पॉलीमरेज फर्स्ट. RNA पॉलीमरेज, ठीक है. जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं, उसमें इन तीनों RNA को बनाने के लिए अलग अलग पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. लेकिन इसमें एक ही पॉलीमरेज एंजाइम होता है, एक ही एंजाइम होता है RNA पॉलीमरेज, जो कि तीनों तरह के RNA को बनाते हैं. अब देखो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा. तो ट्रांसक्रिप्शन के तीन स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ इनिशिएशन. तो इनिशिएशन को समझ लीजिए पहले. तो सपोज दैट दिस इज़ द DNA विच हैज़ टू बी ट्रांसक्रिप्ट इनटू RNA. तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 3:5:2. दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA एंड इट इज़ 5:3:2. दिस इज़ कोडिंग स्ट्रैंड. तो आपको याद है कौन से स्ट्रैंड से RNA बनेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाली है, इससे RNA बनेगा. अब आपको ये भी याद है कि इसके पास क्या होते हैं? प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन. एंड एट द प्रमोटर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट. इस पॉइंट से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है. तो क्या होगा? सबसे पहले एक इनिशिएशन फैक्टर आता है, दैट इज सिग्मा फैक्टर. ये सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन पॉइंट को रिकग्नाइज करता है और यहाँ पे आ जाता है. सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन पॉइंट पर आ जाता है, स्टार्ट पॉइंट पे. तो ये क्या करेगा? स्टार्ट पॉइंट को रिकॉग्नाइज करेगा. अब क्या होगा? जो RNA पॉलीमरेज होगा वो भी प्रमोटर साइट पर आ जाएगा, क्योंकि RNA पॉलीमरेज मीन्स इसने RNA का पॉलीमराइजेशन करना है, RNA स्ट्रैंड को आगे बढ़ाना है, ओके. तो ये क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पर एक सबस्ट्रेट आता है. सबस्ट्रेट जैसे फाउंडेशन होती है घर बनाने से पहले, वैसे यहाँ पर एक सबस्ट्रेट आएगा जिसकी हेल्प से आगे RNA चेन आगे बढ़ेगा, ठीक है. तो मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ यहाँ पे. दिस इज़ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज सिग्मा फैक्टर एंड RNA पॉलीमरेज, हियर दोनों आ जाते हैं, एंड दिस इज सबस्ट्रेट. तो यहाँ पर सबस्ट्रेट का काम करता है, कोई भी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट. तो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट कौन कौन से होते हैं? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट. तो यहाँ पर ये कोई भी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट सबस्ट्रेट का काम करता है, मींस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, सबस्ट्रेट बनेगा. अब RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? अब इसके पास कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है. इसके पास सीक्वेंसेस होंगे स्ट्रक्चरल जीन के, लाइक ACCGT, ये सीक्वेंस है DNA के पास. तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस RNA के, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स RNA पे जुड़ते जाते हैं, और इनको जुड़ने में कौन हेल्प करेगा? RNA पॉलीमरेज. सो RNA पॉलीमरेज कैटलाइज द इलोंगेशन ऑफ RNA स्ट्रैंड. सो आफ्टर इनिशिएशन द सिग्मा फैक्टर रिलीज्ड फ्रॉम द स्ट्रैंड. सिग्मा फैक्टर जिसने रिकॉग्नाइज किया था वो हट जाएगा. देन RNA पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स इन दिस डायरेक्शन एंड द न्यूक्लियोटाइड्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस प्रेजेंट ऑन द DNA स्ट्रैंड. DNA स्ट्रैंड पे जो भी बेस है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो इट मीन्स यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड आएगा इसके पास होगा U, then G, then G, then C, then A. तो दिस इज़ द RNA स्ट्रैंड, दिस इज़ द इलोंगेशन ऑफ RNA स्ट्रैंड. देन आफ्टर दैट
आफ्टर रीचिंग ऑन द टर्मिनेशन पॉइंट, जैसे ही टर्मिनेशन पॉइंट पे आता है आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इनको आगे जोड़ता जा रहा है, आगे बढ़ा रहा है इस चेन को। जैसे टर्मिनेशन पॉइंट पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ओके, नाउ एट द टर्मिनेशन पॉइंट देयर इज अ फैक्टर दैट इज रो फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर दैट इज रो, रो फैक्टर यहाँ पर आ जाता है और इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगा। इट विल कॉज द रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सो द न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं, तो अब जैसे आरएनए पॉलीमरेज हटेगा जो न्यू आरएनए स्ट्रैंड बनी है ये अलग हो जाएगी। सो वी विल गेट आरएनए मैसेंजर, या फिर कोई भी आरएनए हम बना रहे हैं तो वो यहाँ पर बन जाएगा। एंड दिस इज इट्स पोलैरिटी विल बी 5:3। अगर हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी मैसेंजर आरएनए एंड इट विल बी इट्स पोलैरिटी 5:2:3:2। तो आपको समझ में आ गया, इनिशिएशन फैक्टर यूज़ होगा, वहीं पर एंजाइम भी आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज और एक सबस्ट्रेट आएगा, और उसके बाद ये तो उसके बाद होगा इलोंगेशन जिसमें कि अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और इलोंगेशन में कौन हेल्प कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ये टर्मिनेशन साइट पर पहुंचेगा वहां पर एक टर्मिनेशन फैक्टर आएगा रो फैक्टर, और ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां से हटा देगा जिससे कि आरएनए स्ट्रैंड यहां से सेपरेट हो जाएगी और हमको आरएनए स्ट्रैंड मिल जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ है, प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है मैसेंजर आरएनए बनता है यह एक्टिव फॉर्म में बनता है, फर्दर इसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है, इट इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ आरएनए और मैसेंजर आरएनए। एंड नाउ द ऑल प्रोसेस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड दिस आरएनए देन ट्रांसलेटेड इनटू द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसलिए साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहीं पर ट्रांसलेशन हो जाता है, और कभी कभी जैसे जैसे आरएनए बनता है वैसे वैसे ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और जैसे आरएनए यहाँ से सेपरेट होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज़ द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी सिमिलर होता है, बस वहाँ पर एक आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। सो वी विल डिस्कस इट फर्दर।